गुलाब जामुन एक ऐसी इंडियन डिश जो सबकी फेवरेट तो होगी, और साथ में इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तो बड़ा पसंद आया ये गुलाब जामुन जो मैंने बनाई है, और एकदम सॉफ्ट सी बनी है। तो आज आपको मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको बना लेना है चाशनी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 4 कप शक्कर और 3 कप पानी। और शक्कर को आपको अच्छे से मिला लेना है, घोल लेना है, और उसके बाद बस इसमें आपको इलायची डालने के बाद चाशनी में थोड़े मिनट के लिए उबाल आने देना है, 2 मिनट से 3 मिनट। उसके बाद बस चाशनी रेडी है। चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने जामुन बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मावा यानी कि खोआ, और इसको मैंने 200 ग्राम लिया है, और मैंने मावा को अच्छे से मसल लिया है। देखिए सॉफ्ट मावा तो आपको आसानी से मिल जाएगी, फ्रेश मावा, सॉफ्ट मावा, अगर आपको हरियाली मावा मिलती है तो वो तो और भी बेस्ट है। और इसके बाद बस मावा को अच्छे से मसलने के बाद इसमें मैंने 4 चम्मच डाली है मैदा, और 1 चम्मच डाली है इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाली है अच्छे से थोड़ा सा मिल्क, जो कि मैंने 2 से 3 चम्मच डाली है ताकि ये जो हमारा मावा का जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। और उसके बाद बस हमारी जब मावा का जो डो बन गया, उसके बाद इसको मैंने अच्छे से राउंड शेप, बॉल का शेप दे लिया है, और ये एकदम अच्छे से बॉल बन भी गई। अगर आपको लगे कि कहीं से क्रैक हो रही है ये जामुन, तो आप थोड़ा सा मिल्क टच कर सकते हो अपने हाथ में, और उसको अच्छे से आप राउंड शेप दे लीजिएगा। और उसके बाद जब हमारे सारे जामुन बन जाए, उसके बाद हमें सिर्फ इसको लो फ्लेम में अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम में करेंगे तो हमारी जो जामुन है वो जल जाएगी और ये अच्छे से पकेगी भी नहीं। तो आप इसे लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, और उसके बाद जो चाशनी हमने बनाई थी, जिसको हमने रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रखा था, उसमें इस जामुन को डाल देना है। गरम गरम चाशनी में जामुन को आप नहीं डालिएगा, वरना जो हमारी गुलाब जामुन है वो पिघल जाएगी, टूट जाएगी और अच्छे से बनेगी नहीं। तो आप चाशनी को पहले बनाना, उसके बाद जामुन को बनाना, और चाशनी को रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिएगा। और बस आपको इस चाशनी में अच्छे से हमारी गुलाब जामुन को डिप कर देना है, और उसके बाद बस अब एक ही काम बाकी है, और वो है इस गुलाब जामुन को खाना। तो आप इसको जल्दी से बनाइए और इसको मस्त इंजॉय करके खाइए। इतनी टेस्टी और इतनी सॉफ्ट बनी है नहीं गुलाब जामुन कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर, और खाइएगा भी ज़रूर, और इंजॉय भी कीजिएगा, क्योंकि दिवाली है या फिर कोई भी और ओकेशन में इस गुलाब जामुन की रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए, अभी के लिए आपको बाय बाय, शुभ दीपावली।